नमस्कार दोस्तों, कैसे हैं आप? उम्मीद करता हूं कि आप कुशल से होंगे। दोस्तों, हमें आज एक महत्वपूर्ण टॉपिक पर बात करना है। क्या करना है हमें कि सबसे पहले हमें जो ज़रूरत लगती है वो होता है हमारा ये मल्टीमीटर। इस मल्टीमीटर की हमें बहुत आवश्यकता लगती है और ये मल्टीमीटर हमारा जो लड़ाई हम लड़ते हैं उसका हथियार होता है ये मल्टीमीटर। इस मल्टीमीटर के विषय में अगर आपने कम समझा तो उतना कम आप जानकार बनेंगे। इस मल्टीमीटर के विषय में आपको समझना बहुत ज़रूरी होता है। तो सबसे पहले मल्टीमीटर आया हमारा ये सुई वाला, जिसको हम कांटे वाला मल्टीमीटर कहते हैं। इसमें हमारा सुई के द्वारा हमारी रीडिंग बताता है। इसके बाद आया हमारा डिजिटल मीटर। आप देख रहे हैं ये डिजिटल मीटर आया हमारा, ये हमें नंबर शो करता है। इसमें और इसमें कोई भी फ़र्क नहीं है। फ़र्क अगर है तो इस बात का है कि ये सुई के द्वारा हमें रीडिंग देखना पड़ती है और यहाँ हमें डिजिट के द्वारा रीडिंग का पता लग जाता है। थोड़ा सा अंतर इसमें है कि हम अंदाज से इसमें वोल्टेज नापते हैं, ये पॉइंट टू पॉइंट बताता है हमें। अब इसके आगे ज़माना और बदला और मीटर आया, इस टाइप के मीटर मार्केट में और आने लगे। जब ये ज़माना बदला तो इस टाइप के मीटर मार्केट में और आने लगे। काम इनका वही है, क्षमता इनकी वही है, कार्यप्रणाली वही है, सिर्फ रीडिंग का 19-20 अंतर आता है। अब इसके बाद आया हमारा ये मीटर और बहुत सारे मीटर हमें आज की तारीख में मार्केट में देखने को मिलते हैं, लेकिन इन सब की जो प्रक्रिया होती है वो सब एक जैसी ही है। सभी मीटर एक ही काम में आते हैं कि हम इनसे वोल्टेज चेक करते हैं और पार्ट्सों को चेक करते हैं। तो ये इनके वोल्टेज और पार्ट्स हम चेक करेंगे। इससे पहले कि इस मीटर के विषय में हम समझें कि आखिर ये बटन किस बात का है, ये बटन कैसे चलता है, ये क्या इसकी ये रीडिंग है, ये हम समझें कैसे ये काम करेगा, मतलब क्या क्या इसके फंक्शन हैं। यानी कुल मिला के मैं ये कहना चाहता हूँ आपसे कि मल्टीमीटर चलाना हम सीखें। आज इस वीडियो में सिर्फ हम इतना बताएंगे कि मल्टीमीटर को किस तरह चलाया जाता है, क्योंकि काम सिखाने से पहले या सीखने से पहले हमें मल्टीमीटर का ज्ञान होना अति आवश्यक है। इस मल्टीमीटर को हम किस तरह ऑपरेट करें ताकि हमारा सामान, हमारे वोल्टेज हमें क्लियर दिखाई दें। अगर मैं आपको इस मल्टीमीटर से सिखाऊंगा तो आप कहेंगे कि मैं ये 2000 का मल्टीमीटर कहाँ से लाऊं? चलिए हम इसको अभी हटा देते हैं। अगर मैं इससे आपको सिखाऊं तो ये भी 500-600 रुपये का मल्टीमीटर आता है, इसको हटा देते हैं। अगर मैं इससे आपको सिखाऊं तो ये कहेंगे कि पुरानी फैशन का ज़माना है। और हकीकत बात है कि LED LCD के लिए ये मीटर बहुत कम काम आता है। हमारा मीटर जो काम करेगा वो डिजिटल मीटर काम करेगा। डिजिटल मीटर में चाहे हमारा ये वाला हो, चाहे हमारा ये वाला हो, चाहे हमारा ये वाला हो, इन तीनों मीटर से हम काम कर सकते हैं। अभी आपके पास नया नया काम है, आप मल्टीमीटर चलाना सीख रहे हैं, तो मेरी ये राय माने कि आप ये भी ना लें, ये भी ना लें, आप सिर्फ ये लें, क्योंकि इसकी रेट ऐसी है कि आप ले लेंगे और अगर ये ख़राब भी हो गया तो आपको कोई फ़र्क नहीं पड़ेगा। तो हम इन दो मीटरों की बात करते हैं। इन दो मीटरों में क्योंकि हमको इसको भी समझना है, क्यों कहीं कहीं हमें ये भी काम में आएगा और हमको इससे तो एक्यूरेट काम हमें LED LCD में करना ही है। इसमें जो रीडिंग है, इसका जो रोटरी स्विच है, वही रोटरी स्विच ये है। इसको सीख लें या इसको सीख लें, इसको सीखेंगे हम
तो हमें सुई वाला कहलाएंगे और पुरानी फैशन का कहलाएंगे, और एक्यूरेट हमको निकालना पड़ेगी रीडिंग, इसमें हमको निकली निकलाई रीडिंग पता लग जाएगी। इसलिए हम इसी से सीखते हैं, इसको और हटा देते हैं। ये हमारा मल्टीमीटर है, ये मल्टीमीटर हमारा बहुत शानदार मल्टीमीटर है और बहुत पुराना मल्टीमीटर है। इस मल्टीमीटर का जवाब नहीं, क्यों कि ये बहुत सस्ता मल्टीमीटर है। लगभग हर जगह 200 रुपए के अंदर ये मल्टीमीटर मिल जाता है, जो जब तक ये सही रहेगा एक्यूरेट आपको रीडिंग देगा। अब इसको ऑपरेट करने का जो तरीका होता है वह मैं आपको बताता हूँ। इसके साथ हमें ये दो लीड मिलेंगी, जिसको हम प्रोड बोलते हैं, ये दो लीड हमको देखने को मिलेंगी। तो ये लीडें लगती कहाँ हैं, आइए देखते हैं। मैं इस लीड को लगाता हूँ, तो जो हमारा ये कॉमन लिख रहा है, यानी ग्राउंड का भी साइन है इसमें और कॉमन लिख रहा है, तो ब्लैक प्रोड हमेशा हम कॉमन पर रखते हैं। और दूसरा हमारा वोल्टेज लिख रहा है, तो हम इसको रेड को यहाँ लगा देंगे, आगे ऊपर वाले में नहीं लगाएंगे, क्योंकि एम्पियर लिख रहा है, 10 एम्पियर नापेंगे तब, तो हमारा ये यहाँ ये लगा रहेगा। अब हम इसको कोई भी पार्ट्स नापने से पहले हम इसमें ये देख लें कि ये फंक्शन क्या क्या हैं। इन फंक्शनों के विषय में हम समझेंगे, क्योंकि जब तक हम इन फंक्शन के विषय में नहीं समझेंगे तब तक आपको मीटर चलाने का ज्ञान प्राप्त नहीं होगा। तो स्टार्ट करते हैं हम। अभी यहाँ हमारा ये ऑफ पे है, अब इसमें एक एरो का निशान बना हुआ है, वह शायद आपको देखने को नहीं मिलेगा। तो इस एरो के निशान पर हम कुछ इस तरह का मार्क कर देते हैं इसमें, ताकि आपको ये एरो का निशान देखने को मिल जाए, जिस तरह हमने इसमें ये रेड कर दिया, ताकि ऐसा ना हो कि आप इसको समझ लें नहीं हमको, अब जो हमने ये रेड कर दिया इसको ही हमें एरो का निशान समझकर जा रखेंगे, उसकी रीडिंग बताएगा। चलो स्टार्ट करते हैं हम। सबसे पहला हमारा जो पॉइंट रहता है वह आया हमारा, इसमें लिख रहा है वी, और निशान कैसा है हमारा, साइन एसी जैसा है, यानी ये हमें एसी वोल्ट, यहाँ हमें एसी वोल्ट प्राप्त होंगे। ये कर दिया हमने तो हमें यहाँ एसी वोल्ट प्राप्त होंगे। ये 200 की रीडिंग पे कर दिया तो 200 से नीचे के वोल्ट, 200 से कम वोल्ट, 200 तक वोल्ट हम यहाँ से नाप सकते हैं। अब चूंकि हमें अगर हमारी एसी का करंट नापना है, हमारी लाइट का करंट नापना है, तो वो तो 220 वोल्ट आता है। अगर हमने मीटर की यहाँ लगाई और इस दोनों प्रोड को हमने प्लग में लगा दिया तो ये रीडिंग नहीं बताएगा। इसको हमें कहाँ रखना पड़ेगी, 200 से ऊपर, यानी हमें यहाँ रखेंगे तो हमें हमारी लाइट की रीडिंग का पता लग जाएगा। और हमें अब ये भी पता लग जाएगा कि हमारी लाइट में कितना करंट आ रहा है। मैं उदाहरण के तौर पर आपको बताऊंगा कि हमारा, जैसे कि हम देखते हैं कि मैं करता हूं व्यवस्था, अभी आपके टेस्ट करने की भी व्यवस्था मैं बताऊंगा, पहले हम इसके फंक्शन समझ लेते हैं। तो हमें 200 वोल्ट तक अगर नापना हो, आप तो ये समझें जो साइन मर रहा है उस तक नापना हो तो वहाँ करें, तो हम मीटर की प्रोड को वहाँ करें। एक वोल्ट से एसी एक वोल्ट से लेकर और 200 वोल्ट तक अगर हमको नापना है तो हम यहाँ रीडिंग रखें। अगर 200 से ऊपर नापना है तो रीडिंग हम यहाँ रखें। इसमें 750 वोल्ट तक हम एसी नाप सकते हैं। अब इसके बाद हमारे जो काम का रहता है, सबसे पहले हम ये देखते हैं कि हमारे काम के कौन से रहते हैं। एक तो हम एसी को नापना पड़ेगी हमको, तो एसी हमने 200 वोल्ट पर रख लेंगे, तो एक वोल्ट से 200 वोल्ट तक हम यह नाप लेंगे। और
200 वोल्ट से जब आगे आवश्यकता लगेगी हमें तो हम यहाँ 750 तक वोल्ट तक हम नाप सकते हैं। यहाँ से हमारे सारे एसी वोल्ट क्लीन हो जाएंगे, नप जाएंगे। अब इसके बाद हम आते हैं इसका ये एम्पियर नापने का सिस्टम है, वो हमको आवश्यकता लगती नहीं है दोस्तों। ये हमारा एम्पियर नापने का सिस्टम होता है, वो हमको आवश्यकता लगती नहीं। आगे जब हम यहाँ आएंगे इस पर, तो यहाँ हमें जो ये देख रहे हैं आप, इससे हमारे इसमें लिख रहा है ECB BCE, इसमें भी लिख रहा है BCE, और इधर लिख रहा है NPN, इधर लिख रहा है PNP। यानी हम यहाँ रख कर ये डायरेक्ट ट्रांजिस्टर भी हम इससे नाप सकते हैं। अगर हम प्रोड के द्वारा टेस्टिंग नहीं कर पा रहे हैं तो हम यहाँ भी इसकी नाप सकते हैं। ये इसका पॉइंट है जिसे हम HFE बोलते हैं। इसके बाद यहाँ से हम पल्स नाप सकते हैं, है ये भी हमारे कोई काम का नहीं है। अब आता है हमारे काम का मेन, यहाँ ये वाला साइन, इस पे हमें एक डायोड का साइन भी मिलेगा और एक स्पीकर का भी साइन मिलेगा, यानी हमारी कंटिन्यूटी भी ये दिखाएगा और हमें ये डायोड की रेंज भी हमें दिखाएगा। जैसे कि ये इसका बजर बजा, ये यानी कंटिन्यूटी का मतलब ये होता है कि किसी भी कंटिन्यूटी को हम चेक कर सकते हैं, किसी भी वायर को हम चेक कर सकते हैं, कंटिन्यूटी में ला सकते हैं। जैसे कि ये एक डोरी है हमारी, ये पूरी फुली डोरी है हमारी, और इसका कंटिन्यूटी अगर हम चेक करेंगे तो इस तरह हम इसका कंटिन्यूटी चेक ये कर सकते हैं। यानी ये सर्किट जुड़ा हुआ है कि नहीं, कंटिन्यूटी चेक कर लेंगे, साथ में हम इस पर डायोड भी नाप लेंगे। अब आता है हमारा मेन और शानदार काम। आपने समझा कि 200 हम यहाँ से 200 जीरो से लेके 1 वोल्ट से लेके 200 वोल्ट तक एसी यहाँ नाप सकते हैं। इसके बाद 200 वोल्ट से ऊपर अगर आवश्यकता लगेगी तो हम यहाँ कर देंगे इस कल्चर को। ये हमारे 2 पॉइंट हमारे काम में आए। तीसरा पॉइंट आया हमारा ये वाला, जो हमको इलेक्ट्रॉनिक्स में ज़रूरत लगेगी, LED LCD में ज़रूरत लगेगी। तो ये आया हमारा क्या, बजर बजने का, किसी भी चीज़ की सॉर्टिंग चेक करना हो या हमें उसमें कंटिन्यूटी दे रहा है कि नहीं वो चेक करना हो उसके लिए, और डायोड चेक करने के लिए। अब इसके बाद आता है यहाँ से लेकर, आप देख रहे हैं यहाँ से लेकर यहाँ तक जो रेजिस्टेंस होती हैं उनकी वैल्यू निकालना। यहाँ से आपकी 200 ओम्स यानी 0 ओम्स से लेकर 200 ओम्स तक, यहाँ से हमारी 1000 ओम्स तक, यहाँ हमारी 20 के तक, या हमारी 200 के तक, या हमारी 2000 के तक, यानी हम यहाँ रेजिस्टेंस चेक कर सकते हैं। इसके बाद आया हमारा यहाँ से, तो यहाँ से हमारा अब वोल्ट चालू हुआ कौन सा, DC वोल्ट। तो जहाँ से हम जो वोल्ट चेक करेंगे हमारे, यहाँ हम DC वोल्ट चेक करेंगे। तो पहले होगा हमारा मिली, तो आपने ये देख लिया कि हम यहाँ कंटिन्यूटी चेक कर सकते हैं ये, और डायोड भी चेक कर सकते हैं। मैं आपको डायोड रेजिस्टेंस सारे वोल्ट चेक करके बताऊंगा, फंक्शन समझ लेते हैं पहले। अब इसके बाद हमें आगे चलते हैं हम, तो यहाँ हमें रेजिस्टेंस की वैल्यू पता लगेगी। आगे चलेंगे हम तो यहाँ मिली एम्पियर वोल्ट, यानी मिली एम्पियर में वोल्ट हम यहाँ भी चेक कर सकते हैं। 200 मिली एम्पियर तक और 2000 मिली एम्पियर तक हम यहाँ से चेक कर सकते हैं। अब आगे चलते हैं हम यहाँ 20 वोल्ट, ये लिखा है हमारा, ये DC करंट आ गया दोस्तों। DC करंट यहाँ से और AC यहाँ से, DC करंट जब चेक करेंगे हम तो 20 वोल्ट, 1 वोल्ट से लेके 20 वोल्ट तक हम यहाँ से चेक कर सकते हैं। इसके बाद 20 से जैसे ही 21 वोल्ट से लेके 200 वोल्ट की रेंज अगर हमको नापना है तो हम यहाँ फिर 200 पे करेंगे,
और 200 वोल्ट से लेकर हम अगर 1000 वोल्ट तक नापना है तो हम यहाँ कर देंगे। ये मात्र मीटर का टोटल फंक्शन हुआ। आपको मैं एक बार और रिपीट करता हूँ कि हमें जैसे हमारा ये ऑफ रहेगा, हम यहाँ एसी वोल्ट चेक करना है हमको, तो हम 200 वोल्ट से लेके 750 वोल्ट तक हम इन दोनों पर चेक कर लेंगे। इसके बाद हम यहाँ आएंगे सीधे। ये हमारे कोई काम के फंक्शन नहीं है एलईडी एलसीडी में, और वैसे तो काम के हैं वो, हमको ज़रूरत भी नहीं है ना, हम देख पाएंगे उन्हें। और अब यहाँ जब आएंगे तो हमको कंटिन्यूटी चेक करें, कोई वायर ख़राब तो है नहीं है, शॉर्ट तो नहीं है, शॉर्टिंग और ओपन हमको यहाँ पता लग जाएगी, और साथ में डायोड भी हमारा चेक हो जाएगा। अब इसके बाद यहाँ से लेकर और यहाँ तक हम रीडिंग रेजिस्टेंस चेक कर सकते हैं। यहाँ से लेके हम डीसी वोल्ट मिली एम्पियर से लेकर और 1000 वोल्ट तक हम यह चेक कर सकते हैं। ये मीटर को चलाने का एक आसान तरीका हमने आपको समझाया। अब हम बताते हैं आपको कि इसमें वोल्ट कैसे नापे जाते हैं, रेजिस्टेंस कैसे नापी जाती हैं, और डायोड कैसे चेक किया जाता है। आइए हम आपको बताते हैं। देखिए दोस्तों, हम आपको डायोड चेक करना बताते हैं। ये हमने यहाँ कंटिन्यूटी पे रख लिया, डायोड मोड पर मीटर को रख लिया, और डायोड उठाया हमने। डायोड में जो साइन होता है, ये साइन होता है एक साइड, आप देख रहे हैं ये साइन को, एक साइड ब्लैक रहता है और एक साइड ये हमको ये साइन दिख रहा थोड़ा सा ये साइन। तो अब हम चेक जब करेंगे इसको, तो दोनों साइड से हमको चेक करना होगी। देखिए ये हमारा रीडिंग बता रहा है 513। अब हम दूसरी साइड रीडिंग देखेंगे तो ये हमको रीडिंग नहीं बताएगा, ना हमारा बजर बजेगा। तो आप मान लें कि हमारा डायोड सही है। ये दूसरे को चेक करते हैं, देखिए 519, और दूसरी साइड बिल्कुल नहीं। ये डायोड चेक करने का एक साइड से बताएगा और एक साइड से नहीं बताएगा। इसका नियम ये होता है हमारा इसका बताने का कि जैसे कि हम जो हमारा ब्लैक कलर का रहता है उस पर हम पॉजिटिव रखें, और जो हमारा साइन वाला रहता है उस पर हम नेगेटिव रखें, तो हमें ये रीडिंग देगा। और अगर हमने ब्लैक साइड ब्लैक को रख लिया और साइन के साइड ये रखा, तो हमको ये रीडिंग नहीं देगा। ये डायोड नापने का फार्मूला होता है। आइए अब रेजिस्टेंस नापने का आपको बताते हैं। जैसे कि ये एक रेजिस्टेंस हमारे 560 ओम्स की है। ये 560 ओम्स की ये कितने की है, इसको पहचानने कैसे, हम इसको कैसे पहचाने कि ये रेजिस्टेंस है कितने की। तो हम इसको यह 200 की रीडिंग पर रखेंगे पहले। देखिए अब मैं बताता हूँ आपको, ये देखिए रीडिंग आके चली गई, रीडिंग इसने हमको नहीं बताई, रीडिंग आके चली गई, रीडिंग हमको इसने नहीं बताई। अब हम और आगे बढ़ेंगे, क्यों कि अगर 0 ओम से लेके 200 तक की होती तो यहाँ ये बता देती। अब चूँकि ये और हैवी रेजिस्टेंस है तो हम इसको यहाँ 2000 ओम्स पे कर देंगे। कितना बताया इसने, 556 ओम्स की ये रेजिस्टेंस है, सही है। अब हम और देखेंगे, अब हम रेजिस्टेंस उठाते हैं के में, ये रेजिस्टेंस है हमारी के की। तो के की अगर रेजिस्टेंस हम यह नापेंगे तो हमको कोई भी साइन नहीं करेगा। आप समझ गए होंगे ना, क्योंकि ये ज़्यादा वैल्यू की है ना, ये ओम्स में थी 560 ओम्स, तो हमने 2000 की रीडिंग पे कर लिया। अगर हम 200 की करेंगे तो नहीं बता रहे ना। देखो ये रेजिस्टेंस नापने का फार्मूला हो गया। अब ये हमारा 12 के की रेजिस्टेंस है, इसको हम चेक कर रहे हैं तो ये नहीं बता रहा, तो 20 के की पे रखेंगे इसको। देखिए इसने 1189 ये रीडिंग इसने, तो इस तरह हम रेजिस्टेंस चेक कर देंगे। वो हमारी एसएमडी रेजिस्टेंस हो, आप इससे प्रॉब्लम में ना आना, वो हमारी एसएमडी रेजिस्टेंस हो या कोई भी हो, रेजिस्टेंस नापने का फार्मूला यही रहेगा। एक रेजिस्टेंस और लेते हैं, इसको नापते हैं कि ये क्या कहती है। ये हमारी ओम्स में रेजिस्टेंस है, ये हमारी है
330 ओम्स की रेजिस्टेंस। तो हम इसको यहाँ भी अगर चेक करेंगे तो भी बताएगा, 326 बता रहा, 200 पे रख लेंगे ना तो भी बताएगा ना ये, क्यों नहीं 200 पे नहीं बताएगा, क्योंकि 330 की सॉरी हाँ 200 पे नहीं बताएगा। देखिए ये करिए, ये 330 की है, ये रीडिंग 5-10% ऊपर नीचे रहती है, ये इसने बताया। तो आप समझ गए रेजिस्टेंस का फार्मूला, और आप समझ गए इसके डायोड का फार्मूला। अब इसमें करंट कैसे नापें, तो करंट नापने का देखिए, अब मेरे पास एक ये छोटा सा सेल है, इस सेल का करंट हम नापेंगे, इस इधर इसका माइनस लगाएंगे, इधर इसका प्लस लगाएंगे, और देखिए 1.61 यानी हमारा जो सेल है ये 1.5 वोल्ट का है, 1.5 का है, तो आप समझ गए होंगे। और इधर से भी अगर हम इसको लगा लेंगे तो इसकी विशेषता है, ये माइनस में बताएगा, देखिए ये हमारा 1.5 वोल्ट का हमारा ये सेल हुआ। इसी तरह हम इससे हम 12 वोल्ट नाप सकते हैं, 20 वोल्ट, यानी जो भी हो। अब मुझे पूरी उम्मीद है कि आप 100% मीटर चलाना सीख जाएंगे। तो मैं आशा करता हूँ मैंने आपको रेजिस्टेंस और इसका डायोड का और करंट और इसका निकालना आपको सिखा दिया। इसी तरह हम डीसी वोल्ट पर रखकर और डीसी वोल्ट चेक कर लेंगे, एसी वोल्ट चेक कर लेंगे, और डीसी की ज़रूरत लगी तो डीसी पे कर लेंगे, और रेजिस्टेंस की ज़रूरत पड़ी तो यहाँ कर लेंगे, और बजर की ज़रूरत पड़ी तो हम यहाँ कर लेंगे। इसमें है क्या, साधारण काम है। तो मैंने आपको जो मीटर की विषय में जानकारी दी, आप पूरी उम्मीद करता हूँ कि आप पूरी तरह से इसमें मीटर चलाने में माहिर हो जाएंगे। आज का वीडियो यहीं तक, नमस्कार दोस्तों।